नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरों के बीच मायावती ने सपा नेता आजम खान का समर्थन किया है और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा, यूपी और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस की तरह ही गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों को टारगेट कर जुल्म, ज्यादती और भय का शिकार बना रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बिजनौर भ्रमण कार्यक्रम पर रही। भ्रमण के दौरान राज्यपाल सर्वप्रथम विकास भवन पहुंची और वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई, जिसके बाद उन्होंने विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। बता दें कि आनंदीबेन पटेल द्वारा जिले के 51 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिए जाने वाले कुलपतियों और संचालकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण भी किया गया। बलरामपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की तुलना रावण से कर दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोग रहते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा उत्तर भारतीयों पर जितना अत्याचार राज ठाकरे ने किया है उतना वो रावण ने भी नहीं किया होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ठाकरे हनुमान चालीसा का पाठ करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तक वो उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांग लेते तब तक उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार वहां नहीं है, मैं तो मांग करता हूँ भारत सरकार से और सभी सरकारों से कि जो आदमी समाज को बांटने का, भड़काने का निर्णय करता हो कोई सा आह्वान का, सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी छीनो। हाँ, सिक्योरिटी देना ये लोग बंद करें तो गलत बयानबाजी बंद हो जाएगी, लेकिन अपने कैपेसिटी पर बयान दो। गाजियाबाद के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान कार को रोकने के लिए कहा गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गए। वहीं बदमाश के ऊपर पहले से ही आधा दर्जन से अधिक लूट जैसे संगीन मुकदमे दर्ज है। थाना मुरादनगर क्षेत्र में रावली चौकी के पास पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ऑल्टो गाड़ी को जब रोकने का इशारा किया गया तो वो गाड़ी रुकी नहीं और उस पर जो व्यक्ति सवार थे पुलिस टीम पर फायरिंग करके अमीरपुर वाले रास्ते पर उन्होंने भागने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस की टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया और उसके बाद उनकी गाड़ी सड़क के किनारे फंस गई, जिसके बाद उन्होंने उतर के पैदल वो लोग भागे और पुलिस टीम पर वापस से फायरिंग की। इसके बाद पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करी गई, जिसके एक व्यक्ति को गोली लगी है और दूसरा भागने में सफल रहा है। जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसका नाम आज़ाद कुदर तहसीन है और ये दिल्ली का निवासी है। इसके पास से जो गाड़ी बरामद हुई है उसका जो नंबर प्लेट थी वो टेम्पर्ड थी। जब उसकी चेसिस नंबर से जानकारी की गई तो इस गाड़ी का साहिबाबाद से तकरीबन 6 महीने पहले लूट का होना पाया गया। इसके पास से एक ही गाड़ी यही लूट की और एक तमंचा बरामद हुआ है, जो इसका साथी भागने में फरार रहा है। गाजियाबाद में नेपाल के चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जहां पुलिस ने घर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि गाजियाबाद के थाना लिंक रोड इलाके में 5 नेपाली मूल के व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नेपाली मूल के व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपने मालिक के सैंडविच में नशीला पदार्थ खिलाकर घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिर ऐसे ऐसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे? चोरी का काम करेंगे। हाँ। थोड़ा उम्रदार आदमी चाहिए करके बोल के इसके लिए लगाया तुमने। अच्छा, कितनी क्या सैंडविच में दवाई डाल दी? 10-11 गोली डाली थी। दवाई कहाँ से लेके आए थे? जीवन ले गया था नेपाल से। अच्छा, नेपाल उसे किसने बताया गोली लाने को? फोन किया, दवाई के लिए फोन किया था तुमने। अच्छा, बाकी जो और 3 थे उनको कैसे? लक्षण भी था, लक्षण था इस काम पे, और उसको बोला था ये सब काम पे शामिल, मतलब काम करेंगे। डर कैसे पकड़ पाया था उनको? नशा नहीं हुआ इसलिए डर गए। मैं भाग गया। घर के अजय शर्मा, उनकी वाइफ आगरा किसी काम से गए थे, उनको दोनों, उनके दोनों बच्चे घर पे थे, तो कृष्ण उर्फ किशन ने उनको सैंडविच में करीब 8-8 10-10 गोलियां नशीले पदार्थ की दे दी, जिससे वो बच्चे लगभग बेहोश हो गए।
उसी दौरान इसने सामान उठाया और एक दो और जो इनकी प्लानिंग के तहत अंदर आ गए, सामान कुछ इन लोगों ने उठाया, उसी बीच एक बच्चा उसमें लगभग लगभग होश में आ गया। जब इनको पता चला कि अभी पूरी तरह से बेहोश नहीं है एक बच्चा, तो ये लोग भागने का प्रयास किया और भाग गए। उस दौरान जब हम लोगों को सूचना मिली, हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत करके इसमें टीमें लगाई, CCTV फुटेज और अन्य सर्विलांस के माध्यम से इनको 5 लोगों को पकड़े हैं और घर से जो भी सामान उस दिन रुपए पैसे और कुछ ज्वेलरी लेकर के गए थे। रायबरेली में जमीनी विवाद का मामला सामने आया है, जहां पिता ने अपने बेटे को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। इस दौरान बचाव करने आई बहू को भी काफी चोटें आई हैं। वहीं दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामले में कोतवाली प्रभारी संजय त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ हमारा नाम हुआ, तो हमारे जमीन खरीदा उसमें घर ने बनाने दे रहे और जो घर बना हो उसमें हिस्सा के साथ लड़ाई हो रही है। थाने में एप्लीकेशन दिया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां खेत से घर लौट रही युवती के साथ दबंगों ने गैंगरेप कर अश्लील वीडियो बनाया है। वहीं इस वीडियो को आरोपियों ने युवती को ही भेजकर धमकाया। इसकी शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन पुलिस ने गैंगरेप की घटना को छेड़छाड़ में दर्ज किया है। वहीं रेप का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, साथ ही युवती पर दबाव भी बनाया जा रहा है। जी, मैं बागपत से अपने घर आ रही थी, तो कैल में मुझे मंगल सिंह और वीरेश मिला। इसने वीरेश ने मुझसे बोला था कि कोल्ड ड्रिंक पी ले, मैंने मना किया था, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती से कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद मुझे धुंधला धुंधला से फील होने लगा और मैं बेहोश हो गई थी। बेहोश होने के बाद मुझे नहीं पता इन्होंने मेरे साथ किया गया था, लेकिन बेहोशी से उठने के बाद मैं अपने घर गई थी, तब मुझे पता चला था कि इन्होंने कुछ वीडियो और फोटोज भी लिए हैं। दुष्कर्म करके इन्होंने कुछ वीडियोस भी बनाए थे मेरे और उन्हें वायरल कर दिए हैं। मेरे पापा मम्मी ने इन्हें घर बुलाया था, वीरेश ने ये कहा था कि आपने कुछ भी कानूनी कार्रवाई की तो मैं जेल तो चला जाऊंगा, लेकिन जेल से आने के बाद मैं इस जिसको जान से मार दूंगा, इस कोई को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये उस्मानपुर के कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने एक प्रार्थना पत्र मुझे दिया था, जिसको मैंने जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखा था, विधिक कार्रवाई करने के लिए। उनके थाने पर उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और उसकी विवेचना चल रही है। साक्ष्य के क्रम में जो भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर। खबर अलीगढ़ से है, जहां महिला ने पति पर तमंचे की नोक पर तलाक देने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने SSP से मामले की शिकायत की है और न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि पीड़िता से तलाक लेने के बाद पति अब कहीं और शादी करना चाहता है। इस मामले की शिकायत लिख गई थी, मुझ पर तमंचे रखवा के साइन करवा ली मीडिया वाले ने और मेरे दूल्हा ने और उनका भतीजा था। किस चीज के साइन करा ली? तलाक दे दे मुझे नहीं मार दूंगा, उन्होंने वीडियो भी बना रखी है कि मतलब हाँ कर तो मैंने नहीं कह दी उनकी हाँ तो मार जा दो, ये वीडियो बना रखी है उन्होंने तमंचा रखवा के। कौन कौन था और कब? मीडिया वाला था इन उस्मान के। खबर औरैया से है, जहां के जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 7 के छात्रों द्वारा प्राचार्य को लिखा गया एक शिकायती पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस आवेदन को पढ़कर हर कोई हंस रहा है और तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहा है। इस पत्र को लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। दरअसल प्राचार्य को लिखे गए इस शिकायती पत्र में छात्रों ने मांग की है कि लड़कियां उनसे माफी मांगे क्योंकि वो उन्हें गलत नामों से बुलाती हैं। पत्र में उन्होंने लिखा है कि लड़कियां उन्हें जब गजब नाम से चिढ़ाती हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ये लेटर 2 महीने पहले छात्रों ने लिखा था और इसमें कार्यवाही भी की गई थी। तो उधर कॉलेज के प्राचार्य ने इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। इस संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि ये पुराना लेटर है और जब ये चीज मेरे संदर्भ में आई तो जिस दिन का ये लेटर है उसी दिन स्कूल टाइम पे ही लड़के और लड़कियां दोनों को बैठा करके आपस में उनको समझाया गया, उनकी काउंसलिंग करी गई और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी गई। एज अ हाउस मास्टर
उनके जो गर्ल्स हैं उन गर्ल्स को हॉस्टल में भी काउंसलिंग करी गई और उनके पेरेंट्स से भी हो रहे व्यवहार में परिवर्तन लड़कियों के बारे में जानकारी उचित जानकारी जो थी दी गई। हालांकि ये पुरानी बात है पर उसके बाद से आज तक कोई ऐसी शिकायत न लड़कों की तरफ से न लड़कियों की तरफ से आई है। मुझे आज जानकारी फेसबुक और उसके माध्यम से हुई है, अभी उसको दिखवा रहे हैं कि कहाँ तक क्या है ये मामला, जो भी इसमें तथ्य पाए जाएंगे आपको सूचित किए। फरुखाबाद में यातायात प्रभारी ने एक सराहनीय काम किया है और दो मासूम छात्रों के स्कूल बस का खर्च खुद उठाएंगे। दरअसल दोनों मासूम बच्चों के पिता की मौत हो गई जिसके बाद दोनों बच्चे साइकिल से स्कूल जाने पर मजबूर हो गए। वहीं मामले पर प्रसिद्ध जोशी ने आम जनता सहित अपने विभाग के भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग इस प्रकार का सराहनीय काम करें जिससे गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया है, रजनेश कुमार जो फतेहगढ़ के PSI साहब हैं उनके द्वारा दो बच्चों का ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा या जो भी व्यय आएगा जब तक ये यहाँ पे रहेंगे, जब तक रजनेश की पोस्टिंग यहाँ पे रहेगी तब तक ये उनका व्यय उठाएंगे। और साथ ही साथ कोई भी समस्या अगर आती है या किसी को भी ऐसी सड़क संबंधी या परिवहन संबंधी समस्या आती है तो उसका पूरा प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।